हेलो फ्रेंड्स मैं शेफाली चैनल अर्बन लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ठेकुआ छठ महापर्व पर यह बहुत ही प्रमुख प्रसाद के रूप में देवी माँ को अर्पित किया जाता है और छठ महापर्व ठेकुआ के प्रसाद के बिना पूरी तरीके से अधूरा है तो चलिए फ्रेंड्स इसकी रेसिपी में देखिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये बहुत ही हेल्दी स्टाइल से मैंने बनाया है इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम व्हीट फ्लोर आटा वही आटा जिससे आप पूड़ी या पराठे बनाते हैं अब इसमें मैंने कटे हुए थोड़े से नारियल ऐड किए हुए हैं जो सूखा नारियल आता है उसी को मैंने कट करके इस तरीके से इन्ग्रीडियंट में मिला दिया है ये जब मुंह के अंदर जाता है खाते समय तो बहुत ही अच्छा लगता है इसके अलावा मैंने छोटे छोटे बादाम कट करके डाले हुए हैं और कुछ लोग इसमें थोड़ी सी सौंफ भी ऐड करते हैं मेरे घर में थोड़ा सौंफ का टेस्ट लोगों को नहीं समझ में आता है इसलिए मैं उसको स्किप कर देती हूँ इसके अलावा मोयन के लिए मैंने इसमें दो चम्मच देसी घी ऐड किया है फ्रेंड्स इसमें देसी घी आप अपनी सुविधा अनुसार अकॉर्डिंगली और भी बढ़ा सकते हैं मैंने दो ही चम्मच लिया है ये है हमारा कसा हुआ नारियल डेजिगेटेड नारियल कटा हुआ नारियल अलग से मिलाया था और ये डेजिगेटेड नारियल का जो बुरादा होता है उसको मैंने ऐड किया है ठेकुआ में नारियल का टेस्ट बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड होकर के जब आता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है मैंने इसको तीन चम्मच ऐड किया है नारियल के बुरादे को अब इसके बाद Uh, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये थोड़ी सी किशमिश है जिसको मैंने हाफ हाफ़ करके कट कर लिया है ये मैंने ऐड किया है इसमें आप अपने आ, सुविधा अनुसार चाहे तो काजू भी मिला सकते हैं और भी मेवे अपने आ, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं ये है पिसी हुई शक्कर इसको आप मिठास के रूप में प्रयोग कर सकते हैं लेकिन मैंने शक्कर को नहीं लिया है इसके ऑप्शन के रूप में मैंने लिया है गुड़ के गुड़ का जो शीरा होता है गुड़ का जो पेस्ट होता है मैंने उसको इसके लिए मैंने गर्म पानी में इस तरीके से गुड़ को ऐड कर दिया है और थोड़ा सा गर्म किया है जब ये हल्का सा इसमें पहला उबाल या खोल खोलने से लगेगा तब हम इसको बंद कर देंगे ये देखिए इस तरीके से जैगरी मिक्सचर हमारा बंद करके तैयार है फ्रेंड्स मार्केट में भी जैगरी पाउडर आता है जिसको गुड़ शक्कर भी बोलते हैं आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो तीन विकल्प हमारे पास मौजूद हैं पिसी शक्कर और ये गुड़ का शीरा या फिर जैगरी पाउडर तो अब इसको धीरे धीरे करके इसमें हम ब्लेंड करने लगेंगे आटे को इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे इस गुड़ पाउडर को या गुड़ के शीरे को करेंगे अब हम फ्रेंड्स इसमें हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ दूध ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा दूध की जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दूध से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में दूध लगता है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा थोड़ा ही ऐड करिएगा एक साथ नहीं ऐड करिएगा जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपकी बाइंडिंग की जो बाइंडिंग uh, 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 की जो कैपेसिटी वो कहाँ तक जा रही है जैसे ही बंधने लगे वैसे ही आपको बंद कर देना है ये मैंने ऐड किया इसमें इलायची पाउडर हाफ चम्मच इलायची पाउडर मैंने ऐड किया है अब देखिए ये हल्का सा बंधने लायक हो गया है इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ का शीरा या गुड़ का पेस्ट और मैंने ऐड किया जिससे हमारे जो ठेकुए हैं ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आ, इनकी बाइंडिंग बनने लगे फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी हैं क्योंकि ना तो मैंने इसमें मैदा यूज़ किया है ना ही सूजी यूज़ किया है ना ही शक्कर यूज़ किया है सिर्फ गेहूं का आटा है और गुड़ का प्रयोग किया है जो कि किसी भी आयु वर्ग के लोग खा सकते हैं और इसमें कोई भी परहेज भी नहीं है कि, कि किसी को शक्कर अवॉइड करनी है या कुछ है ऐसा कुछ भी नहीं है तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा डो बन करके तैयार हो गया है ध्यान रखिएगा इसको पूड़ी या पराठे की तरह डो नहीं तैयार करना है ये देखिए फ्रेंड्स जब हमारा बाइंडिंग मिक्सचर इस तरीके से तैयार हो गया तो मैंने इसके गोल गोल बॉल्स बना लिए हैं और इनको मैंने फ्लैट कर लिया है ये आटा अगर बिखरा हुआ सा लगता है तो आप ये मत समझिएगा कि बिखरा हुआ सा क्यों है ये इसी तरीके से बन कर के आता है ये जब मैं छोटी थी तो मेरे यहाँ पर एक मेरे हेल्पर थी वो बिहार की थी और उन्होंने मुझे सिखाया था मुझे बहुत ही पसंद आया था और फ्रेंड्स आज मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा और देवी माँ को अर्पित करिएगा ये देखिए इसको आप मन चाहे डिज़ाइन आकार में बना सकते हैं चाहे आप सिलेंड्रिकल शेप में बनाएं और देखिए इस तरीके से बनाने के बाद इनको मैंने मन चाह आपके इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए मैंने जो पूरी छानने वाली चलनी होती है छन्नी होती है उससे मैंने एक इसको शेप दिया है देखिए कितना सुंदर शेप लग रहा है और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के मैंने बनाए हैं आप भी अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप्स और डिज़ाइंस में इमेजिनेशन इमेजिनेशन के हिसाब से बना सकते हैं ये देखिए फ्रेंड इसको मैंने फ़्लैट कर लिया सिलेंडरकल बना करके फिर फ्लैट कर लिया फिर आप इसमें कोई भी अकॉर्डिंगली जैसे ये मैंने कद्दू कस लिया है इसको मैंने उल्टी साइड से वो करके प्रेस कर दिया है तो ये ये इम्प्रेशन आ गया इसके ऊपर ये इसके ऊपर फिर से मैंने फॉक की सहायता से एक और नया डिज़ाइन बना दिया किसी ठेकुए पर मैं लीव का स्टाइल भी बनाया है मैंने लीव को कट करके बना दिया तो फ्रेंड्स ये हमारे डिफरेंट स्टाइल के बन गए हैं अब ये बिल्कुल परफेक्टली बन करके तैयार हैं सिर्फ तलना बाकी है तो चलिए चलते हैं हम फाइनली फ्राई करने के लिए फ़्राई करने के लिए हमने लिया है अपना पैन जिसमें कि गर्म होने के बाद मैंने कुकिंग ऑयल डाला है चाहे आप रिफाइंड ऑयल लीजिए चाहे आप देशी घी लीजिए ये देखिए एक एक करके हम चार से पाँच ठेकुए इसमें डालेंगे फ्रेंड्स एक साथ ढेर से मत डालिएगा थोड़े थोड़े करके आप निकालिएगा और बीच बीच में इनको पलटते रहेंगे देखिए ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है और मैंने इनको पलट दिया है ये तीन से चार मिनट के अंदर और धीमी आँच रखिएगा फ्रेंड्स ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा धीमी आँच पे बनाने से अंदर से ये कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा स्वाद आएगा इसमें फ्रेंड्स ये ठेक हुए बिल्कुल तैयार हो गए हैं बन कर के देखिए और ये इतने कुरकुरे हैं और इतने स्वादिष्ट हैं कि आप इसको दोबारा ज़रूर से ट्राई करेंगे विद इन अ वीक ये मेरा पूरा विश्वास है देखिए कितने सॉफ़्ट से बने हैं ये तो चलिए हम लोग इसको प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं ईश्वर के आराधना में देवी माँ के प्रसाद के रूप में और फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ़ स्टे हेल्दी बाय बाय टेक केयर